विधायक कुंवर राठौर सिविल अस्पताल सारंगपुर पहुंचे। उन्होंने सारंगपुर क्षेत्र के लोगों के मन से कोरोना टेस्ट का डर दूर करने के लिए पूर्व विधायक गौतम टेटवाल एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट कराया और आम आदमी तक ये संदेश पहुंचाया कि टेस्ट कराने से कोई हानि नहीं होती है। वहीं अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी एवं अव्यवस्था को देख विधायक कुंवर अस्पताल प्रशासन से नाखुश नजर आए। अस्पताल के मीटिंग हॉल के पीछे एवं सीढ़ियों पर पड़ी गंदगी को देख विधायक ने अस्पताल प्रशासन को गंदगी हटाने के सख्त निर्देश दिए। गंदगी के लिए तो पहले भी मैं यहाँ एक बार और आ चुका था और बीएमओ साहब को बताया था कि आपके यहाँ सफाई के कर्मचारी नहीं हैं, तो नगर पालिका से आप सप्ताह में एक दिन कर्मचारी मांगे और नगर पालिका अध्यक्ष भी उस रोज साथ थे हमारे, उनको भी मैंने निर्देशित किया था कि आप अपने नगर पालिका से सफाई कर्मचारी की सप्ताह में एक दिन के लिए हर रविवार को व्यवस्था कर दें। लेकिन आज फिर अचानक यहाँ आज देखने को मिला है, यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। उसके बाद मैंने उनके जो प्रशिक्षण हाल के पीछे देखा तो वहाँ कचरा इकट्ठा पाया गया है, तो आज फिर से मैं बीएमओ और हॉस्पिटल के स्टाफ को सख्त निर्देश दे रहा हूँ कि आगे से ऐसी शिकायत ना आए। और आज ट्रेनिंग देने के लिए हमारे ज़िले से भी डॉक्टर ए के सक्सेना साहब आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात की और उनको भी बोला कि इस अव्यवस्था के लिए गंदगी जो व्याप्त है अस्पताल में, तो आप भी जिले स्तर से इनको एक नोटिस दिया जाए ताकि ये भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो जो गंदगी देखा है उसके लिए हम बारंबार इनको सचेत करते आ रहे हैं। सारंगपुर से जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट।